फिर से अनुपमा ने दिखा दिया कि उसे नफरत को प्यार में बदलना आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा से एक चीज तो हम हमेशा ही सीखते हैं कि नेवर गिव अप, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, मगर उठना मत भूलो। आज अमेरिका की धरती पे अनुपमा ने पहले ही अपनी एंट्री में यह साबित कर दिया कि वो अब यहां पे भी नफरत को प्यार में बदलेगी। ये तो छोटी मोटी नफरतें हैं जिनको अनुपमा डे टू डे लाइफ में झेलती आई है, यही उसने यहां पे भी झेला और फिर उसी नफरत को प्यार में बदला तो हालात ही बदल गए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा ने सबसे पहले जो हमें सिखाया, जैसा मैंने आपसे शेयर किया, नेवर गिव अप। दूसरी चीज जो मैं सीखती हूँ कि अनुपमा दूसरी जो सामने लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट करती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि दूसरे इंसान की वो दिल से इज्जत करती है। इसीलिए आज जब अनुपमा ने अपने हुनर से पैसे कमाए और उन्हीं पैसों को लेके वो उसी लेडी के सामने गए, जो लेडी उसको कल अपने रेस्टोरेंट की एक दहलीज तक नहीं लांघने दे रही थी, हमें बड़ा गुस्सा आया, सबको गुस्सा आया, मगर अनुपमा को गुस्सा नहीं आया। अनुपमा ने वहां पे फिर से आज जाके ट्राई की, पैसे दिए और जैसे ही पैसे मिले उस लेडी ने उसको अपने 100% ड्यूटी के साथ अनुपमा को अटेंड किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसकी वो भी ड्यूटी थी अनुपमा को रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देना, क्योंकि उसके मालिक की इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसने नहीं घुसने दिया। जब अनुपमा ने पैसे दिए तो उसने उसका हार्ट समझा अनुपमा का, क्योंकि वो प्योर हार्ट से उसने ऐसे मुट्ठी खोल दी कि पैसे लेके आई, और फिर अंदर जाके जो उसने अनुपमा को रिस्पेक्ट दी, उसकी जॉब का भी पार्ट था, मगर जॉब का पार्ट होते हुए भी हम लोग कभी कभी अपना 100% नहीं देते हैं। वही कुर्सी अगर कोई जॉब के पार्ट के साथ उसको पीछे करता सरकाता तो उसमें एक होता कि हाँ ये मेरा जॉब है जिसको मैं पसंद नहीं करता, मगर उसने ये दिखाया कि मेरी ये जॉब है और मैं इसको पसंद करती हूं। और अनुपमा के इस बिहेवियर से, जो अनुपमा ने कहा, जो अनुपमा ने किया, अनुपमा ने उसको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। अनुपमा बाहर चली गई, फिर पैसे कमा के फिर उसी के पास आई और उस चीज को उस औरत ने रिस्पेक्ट किया। पानी पूरा खत्म होने के बाद भी उसने एक गिलास पानी और दिया, जो कल पानी पूछ नहीं रही थी, उसको वो ब्रेड देना, वो सारी चीजें, ये अनुपमा का एफर्ट था जो उसने उस औरत के हार्ट को टच किया। और वहां पे उसी रेस्टोरेंट में बैठ के उसने थोड़ा मील खाया, थोड़ा उसने खाना खाया और फिर उसके मालिक से भी बात की। अब एक एक करके चीजों से जो परतें हैं हट रही हैं, जैसे कि ये पहला जो नफरत वाला जो था एस्पेक्ट, उसको प्यार में बदला उस औरत का, अब वो उसकी अच्छी दोस्त बनेगी क्योंकि उसी रेस्टोरेंट में अनुपमा को काम करना है। फिर ये मालिक जिसको अनुपमा ने बिल्कुल उल्टा साबित कर दिया, जो उसने सोचा था कि ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रोना धोना करते हैं, ऐसे ही कहानियां सुनाते हैं, तो उसने बताया कि मैंने आपकी कहानी भी पढ़ी है। अब बारी उस मालिक की है, उसकी भी जो नफरत है, जो भी उसके अंदर कड़वाहट है, जो भी एक परस्पेक्टिव सेट किया हुआ है अपने दिमाग में कि लोग ऐसे ही करते हैं, उसको भी अनुपमा बदलेगी और वो भी प्यार में बदलेगा, वो भी कंपैशन में बदलेगा, क्योंकि प्यार तो सबके अंदर होता है, मगर कभी कभी हम भूल जाते हैं अपने ही अंदर के प्यार को और हम सिर्फ नफरत को ही जगह देते जाते हैं। और ये एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अनुपमा जो अनुज की नकली नफरत है उसको भी प्यार में बदल देगी। तो बड़ा अच्छा सा सफर है ये, देखने में मजा आ रहा है। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.